Hi, assalamu alaikum. This is Imran Abbas, and as I promised that I'll be there live at 7 p.m. har pal jio ke page pe aap logon se baat karne aaunga regarding Khuda aur Mohabbat. So I'm here. Ji janab. Khuda aur Mohabbat shuru ho raha hai finally 29th of October ko. Aap sab jante hain it's one of the most awaited projects in the history of Pakistan drama. Aur iska intezar लोगों को 5 सालों से था और जब से मैंने सीरियल किया था उस वक्त से लोग कह रहे थे कि इसका सीज़न 2 कब आएगा और जब वो शुरू हुआ तो हमें वाकई यकीन नहीं आ रहा था मुझे और साथियों को कि फाइनली वो दिन आ गया है कि अब ये हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं और आज जब ये सीरियल शुरू होने को है तो वाकई हमें यकीन नहीं आ रहा है कि वो दिन आ गया है कि जब खुदा मोहब्बत दोबारा से शुरू हो रहा है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट फाइनली माई rather the most loved project in my entire career, in my entire showbiz career, is finally starting on the 29th of October. So I expect all of you to watch Jio Entertainment on the 29th of October. Aap sab log dekhiyega, wo sab log jo Pakistan mein hain, jo Pakistan se bahar hain, jinhone 5 saal intezar kiya Khuda aur Mohabbat ka, uske liye hum dobara aa rahe hain aapke paas. Okay, so we have finally started having the list of questions. Let me just go through one by one. अच्छा कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूँ, क्योंकि कुछ बार दोबारा एक ही सवाल होगा. खुद और मोहब्बत के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सीज़न 2 क्या है. सीज़न 2 इज़ बेसिकली वेट माई टीम इज़ देयर सो आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस. जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी मैं पूछ लूँगा. जी I want to share it with my page at the same time. Yes. Uzma. जी अच्छा कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सीज़न 2 क्या है. जबकि आपको स्टोरी कुछ पहले जैसी नज़र आ रही है तो सीज़न 2 कैसे हुआ. इसका एक छोटा जवाब यह है कि हमने उस पुरानी को दोबारा लिया जो कि अमेरिका में शूट होगी जो हुई है वो हम उसको वहाँ से आगे लेके चले हैं. सो इस तरह सीज़न न्यू विद द न्यू शूटिंग विद द न्यू ऑफ कोर्स सारी की सारी जो हमने उसको उसके ऊपर काम किया है वो आपको नए सिरे से आपको मिलेगा. बिसाइड्स मी एंड सादिया हम लोग वही हैं दो पुराने हमाद और इमाद. पहले ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट एंडेड. प्रो ऑफ सीज़न ऑलरेडी कपल ऑफ डेज लेफ्ट. सलाम इमरान हाउ आर यू. शेयर जिन्होंने बशर मोमिन जिन्होंने मेरा नाम शाहिद मैं हूँ शाहिद आफरीदी जैसी और मरियम जैसे सीरियल डायरेक्ट किया है. इज़ वन ऑफ द एस डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान लीडिंग डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान. आप सोच नहीं सकते कि इस प्रोजेक्ट को शूट कर पाया. लिटरली मैं मतलब गिरा हूँ कितनी दफ़ा जब मेरा खून निकला है. इमोशनल प्रॉब्लम्स बीच में कई कई दफ़ा लोगों की फैमिलीज़ के इशूज़ थे कुछ था लेकिन हम लोगों को मिशन था कि ये हमने कम्प्लीट करके ही दम लेना है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ ना इसकी एफर्ट्स थी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो आप लोगों को मैं नज़र ही आ रहा हूँ बट आई थिंक द पर्सन हु एक्चुअली पुट हिज हार्ट एंड सोल टू द प्रोजेक्ट इज उसामा अरिजा उसामा. हम लोग सो जाते थे शूट करके बट वो सुबह तक जाग रहे होते थे. फिर सुबह मतलब मैंने लिटरली देखा है कि उनकी कितनी स्लीपलेस नाइट्स थी टू मेक दिस थिंग हैपन. शक्लें बिगड़ गई थी लोगों की कितनी दफ़ा. हम लोग आप ये देखेंगे आप कहेंगे नहीं कहीं अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें प्लीज़ मान जाइएगा कि हमने वाकई बहुत दिल से काम किया है. दिन दिन रात रात जाग जाग के लाहौर की गर्म तरीन मेरा ख्याल है वो वेदर कंडीशन थी. That was 47 degrees and 50 degrees भी टच कर गया था शायद एक दफ़ा. उसमें हमने स्टेशन पे शूट किया और सर्दियाँ दिखाई थी तो मुझे ऊन की चादर भी पहना दी जाती थी. कहीं आग लगी होती थी जिसको मैं बॉन फायर के सामने बैठा होता था. ऊपर से सूरज नीचे से प्लेटफॉर्म की गर्मी साइडों से ट्रेन का धुआं और उसमें रीटेक्स पे रीटेक्स. उसामा एज़ अ परफेक्शनिस्ट जब तक उनको इत्मीनान नहीं हो जाता था कि सही हुआ है उस वक्त तक हम देते रहते थे लेकिन हम भी नहीं थकते थे. इसलिए कि हमें भी बहुत खुशी थी कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. पर फाइनली जब मैंने एंड रिजल्ट इसका देखा है जो प्रोमोज और टीजर चल रहे हैं इट्स माइंड ब्लोइंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट जो हमने मेहनत की है इट इज़ डेफिनेटली गोना पे ऑफ और वो नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर. जी सवाल जवाब की तरफ आ जाएं.
सब कुछ इसलिए कि पहली दफ़ा तो लग चुका करके और ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ी और ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस सर के ऊपर ये था कि वी हैड टू आउट डू आर प्रीवियस वर्क, हमने अपने पिछले काम से बेहतर काम करना था, तो वो एक बहुत टेंशन थी इसलिए कि लोगों को पहले ये कैरेक्टर इतना पसंद आ चुका था और इतना ज़्यादा मकबूल हो चुका था कि जिस तरह वो प्यार के पीछे पागल है, जिस तरह वो सूफीज़म की तरफ थोड़ा सा उसका उसकी रगबत है, वो किस तरह मज़हब की तरफ आता है और किस तरह फिर वो मज़हब उसके लिए एक बेसिकली पहले वो दुनियादार होता है, मज़हब उसके लिए एक नई चीज़ थी, फिर वो जब दुनिया मज़हब की तरफ आता है तो उसका मज़हब भी उस लाइक टू मैंशन अगैन अली रज़ा उसामा वकास रिजी हु जस्ट स्टेप्ड इन वकास आई एम जस्ट कॉलिंग यू नेम बिकॉज़ यू जस्ट स्टेप्ड इन नो एक्चुअली ही वाज द पर्सन हु वाज राइट ऑन आवर हेड ईच टाइम वी हैड एनी प्रॉब्लम्स ही वाज he was the producer Vikas Rizvi was there Shahrukh Moon Khurram Walta he assisted the main producer of A&B who made this dream come possible thank you so much Babar for believing in me again and for giving us this opportunity to work again with you बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा याद आता है कि आपने सबने कहा कर तो मैं बोलूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा हम लोगों पर ट्रस्ट किया और खुदा को दोबारा बनाया इट वॉज क्वाइट अ टास्क क्योंकि 5 सालों से लोग कोशिश कर रहे थे उसको बनाने की और हिम्मत नहीं हो रही थी इस प्रोजेक्ट को बनाने की इसलिए कि बहुत एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इसमें शहर भी है इसमें गांव भी है इसमें छोटा घर भी है रेलवे स्टेशन भी है अमेरिका की चहल पहल भी है सो इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव टास्क टू टच जो किसी ने अगर हिम्मत की तो बहुत ही मुश्किल से तो सामान सल्यूट है आपको भाई आपने किस तरह कम्प्लीट कर लिया जी जनाब सवालों की तरफ आए मैं तो बोले चला जाऊँगा मुझे किसी ने कहा था कि आप 30 मिनट मैंने कहा नहीं मेरी बहुत हिम्मत है बोलने की मैं बहुत बोलता हूँ आपको खुदा और मोहब्बत अच्छा हो गया जी लोगों को इस बार खुदा और मोहब्बत में कुछ कहने क्या क्या कुछ कहने को देखने को मिलेगा इस दफ़ा आपको पहले से ज़्यादा खूबसूरत विजुअल्स देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे ईमान आपको दोबारा देखने को मिलेगी मुझे तो आप देखते ही रहते हैं बट सादिया वर्क वेरी रेयर शायद उसके बाद भी शी वर्क हार्डली ऑन स्क्रीन क्योंकि ईमान से उसको इतनी अच्छी रिकग्निशन मिल गई थी कि उसने बहुत कम काम किया सो शी वर्क्स वेरी इन अ वेरी फ्यू रोल्स लेकिन कभी कभी काम करती है लेकिन अभी दोबारा आपको सादिया खान दोबारा देखने को मिलेंगी ईमान के कैरेक्टर में नाउ वी हैव अनदर ब्यूटीफुल फेस अदर टू ब्यूटीफुल फेसेस कुबरा खान एंड शिज़रे Kubra is playing the female lead after Iman dies. So it's a very, very important character. It's an equally balanced character. Shizre is playing a very important role. I would like to introduce the whole cast right now. Imran Abbas. Okay, on the top of it, Firdaus Zaman Sahab. Seniority wise, dekha jaye to definitely Firdaus Zaman Sahab hamare mulk ka bahut bada naam hai. Usman Pirzada Sahab hain, Saba Faisal hain, Mazhar Ali Sahab hain. ओके सादिया खान है यू नो कुबरा खान है बहुत सारे खान